हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आरवी क्लास में तो फ्रेंड्स आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एलिज्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन कैसे करेंगे ठीक है हिंदी में इसको कहते हैं बीज गढ़ व्यंजकों का भाग तो इसको हम पहले कुछ पार्ट्स में तोड़ के फिर इसका जो है पार्ट वाइज करके वीडियो बनाएंगे तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट में हम पहले इसका डिविजन करेंगे तो सबसे पहले डिजन ऑफ मोनॉम्यल बाई मोनामियल है ना मोनॉम्यल बाई मोनामियल इसको कहते हैं हिंदी में कि एक पद से एक पद का भाग ठीक है एक पदीय व्यंजक में हम एक पद के व्यंजक से भाग देंगे ठीक है दूसरा टॉपिक हम इसमें देखेंगे डिजन ऑफ मोनॉम्यल सॉरी बाई नॉमियल बाई आ ठीक है इस इसको हिंदी में कहेंगे एक दुई पद में एक एक पद से भाग करके देखेंगे हम यहाँ पर यानी कि दो पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग देकर के देखेंगे कि उसका भाग कैसे करेंगे तीसरा जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा डिवीजन ऑफ बाय आ मोनोमियल इसमें हम एक तीन पदीय व्यंजक में एक एक पदीय व्यंजक से भाग करके देखेंगे कि इसका भाग कैसे होगा ठीक है फोर्थ हम देखेंगे डिवीजन ऑफ बाई नॉमयल बाई अ नॉम ठीक है तो यहां पर हम एक दुई पद में दुई पद से भाग करके देखेंगे कि उसमें हमें कैसे भाग करना होगा ठीक है और फिफ्थ नंबर पे हम देखेंगे डिवीजन ऑफ A, trinomial by a binomial इसके बाद रहता है कि डिवीजन ऑफ मतलब इसका पे, मैं पहले इसका मतलब समझा देता हूं कि डिविजन ऑफ या बाइनोमियल एक तीन पदीय व्यंजक में हम एक दो पदीय व्यंजक से भाग करेंगे इसके बाद आता है कि डिवीजन ऑफ ट्राइनोमियल बाई अ ट्राइनोमियल लेकिन मैं ये नहीं ले रहा हूं मैं ले रहा हूं पोलिनोम ठीक है वैसे तो ये सभी पॉलिनोमियल में आते हैं लेकिन यहां तक जो ट्राइनोमियल होता है वहां तक एक स्पेशल कैटेगरी होती है इसके बाद आ जाएगा डिवीजन ऑफ आप पॉलिनोमियल्स डिविजल्स ऑफ पॉलिन बाई पॉलिनोमियल्स पॉलिनियल्स का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे पॉलिनियल्स का मतलब होता है बहुपद ठीक है पोलिनोम का मतलब क्या होता है बहुपद यानी कि एक बहुपद में हम दूसरे बहुपद से क्या करेंगे भाग तो ये जो आपको छह टॉपिक दिख रहे हैं ये आपको छह पार्ट में मिलेंगे है ना छे, छे, छे अलग अलग छोज में मिलेंगे तो आज जो है आज के वीडियो में हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि कैसे हम एक मोनामियल से दूसरे मोनामियल को डिवाइड करेंगे एक एक पदीय व्यंजक को दूसरे एक पदीय व्यंजक से भाग करेंगे तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो ठीक है मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ तो आज इस वीडियो में हम हाँ अपना डिवीजन का डिवीजन ऑफ एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन का पहला पार्ट डिस्कस करेंगे और वो है एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग ठीक है तो बहुत सारे हमारे भाई लोग ऐसे होते हैं जिनको डिवीजन करने में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आती है तो चलो देखते हैं कोई एग्जांपल लेते हैं है ना मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्टीन एक्स स्क्वेयर वाई ठीक है बाय डिवाइड फोर्टीन एक्स क्यूब वाई रेस्ट टू दावर फोर बाई टू एक्स ठीक है यहाँ पर हमें फोर्टीन एक्स क्यूब वाई रेस्ट टू दि फोर को डिवाइड करना है टू एक्स वाई से तो चलो फिर डिवीजन कर लेते हैं सोल्यूशन अभी हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं फोर्टीन एक्स क्यूब वाई रेस्ट टू दावर फोर डिवाइड बाई टू एक्स वाई पर मैं कहूँगा कि आप ऐसे ना लिख करके बिल्कुल ऐसे लिखा करो ठीक है फोरटीन एक्स क्यूब और वाई रेस्ट टू फोर टू एक्स वाई अगर आपने इतना लिख लिया तो इसके बाद में बताता हूँ क्या करना है थोड़ा सा इसको ओपन करना है खोलना है कैसे खोलना है देखो ये 14 into X, X raise to the power 3 है, है, तो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो y, चार बार वाई और तीन बार एक्स इसको भी आपको ऐसे लिखना है टू इंटू एक्स इंटू वाई ऐसे टू सेवन जा फोरटीन टू वन जा टू से से कट कट जाएगा जाएगा और y से एक, y जाएगा. तो आपके आपका क्या बचेगा वन क्या बचेगा वन वन हम लिखते नहीं है क्या चीज वन हम लिखते नहीं है तो इसका हमारा आंसर ये हो जाएगा इस प्रकार से हम पोलिन को डिवाइड करेंगे अब दूसरा तरीका है ना ये तो एक लंबा प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है आपको तेजी से क्या करना है अगर मान लो आपको इसी क्वेश्चन को तेजी से करना है तो आप ऐसे राइट कर लीजिए फोरटीन एक्स क्यूब और कम हो जाएगा तो टू बच जाएगा और एक वाई यहाँ से कम हो जाएगा तो थ्री बच जाएगा सेवन एक्स स्क् वाई क्यूब आंसर है ना अगर आपको यह चीज आती है तो आप यहीं पर आंसर कर सकते हो ठीक है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं चलो फिर उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा तो इस बार हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो कुछ माइनस में हो है ना डिवाइड ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू जेड बाई थ्री एक्स जेड ठीक है आपको डिवाइड करना है माइनस ट्वेंटी वन एक्स एक्स स्क्वायर वाई क्यूब थ्री इससे डिवाइड करना है तो सीधा सा तरीका हमने बताया है आप ऐसे लिखिए माइनस ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड ओवर थ्री एक्स जेड है ना इसको अब इसको आप थोड़ा अलग अलग लिखिए माइनस ट्वेंटी वन इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इन वाई इन वाई इन टू जेड ओवर इनको मतलब आप एक्सपेंड कर दीजिए अब ये लिखा है थ्री इंटू एक्स इन टू जेड तो अभी आप यहाँ से क्या देखोगे कि थ्री से थ्री सेवन या ट्वेंटी वन कट जाएगा एक्स से एक्स कट जाएगा और जेड से जेड कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा देखो माइनस साइन तो यहाँ पर है ही माइनस सेवन इंटू एक एक्स बच गया और वाई रेस्ट दावर थ्री बच गया और z कैंसिल हो गया नीचे आपका वन आएगा ठीक है अपान वन तो वन को राइट करने की जरूरत नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा माइनस सेवन एक्स वाई क्यूब तो ये आपका आंसर हो गया अभी आप शॉर्टकट में भी इसे कर सकते थे कैसे देखो आप ऐसे राइट करते माइनस ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड ओभर थ्री एक्स एक्स से एक, जाएगा, एक बचेगा ट्वेंटी तो और फिर के कि और वाई क्यूब हो गया आंसर ठीक है तो आप शॉर्टकट में कर सकते हैं इसे और थोड़ा सा लंबे में भी कर सकते हैं तो इसको आप स्क्रीन ले लीजिए या फिर वीडियो को पा करके राइट कर लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव हो माइनस फोर्टी टू एक्स जेड क्यूब बाय माइनस सेवन एक्स वाई ठीक है यहाँ पर क्या करना है कि डिवाइड डिवाइड माइनस फोर्टी टू एक्स क्यूब बाई माइनस सेवन एक्स वाई तो चलिए फिर इसका सोलूशन करते हैं इस बार क्या है कि दोनों तरफ माइनस माइनस है तो इधर आप राइट कर लीजिए ओवर अभी आपको क्या करना है आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए देखिए पहली बात तो ये है कि ये माइनस साइन माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो माइनस साइन नहीं बचेगा केवल प्लस साइन बचेगा ये हो जाएगा फोर्टी टू इंटू एक्स इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड ओवर सेवन इंटू एक्स इंटू वाई तो सेवन देखिए सेवन वन जावन सेवन सिक्स या फोर्टी टू एक्स से एक्स कट जाएगा लेकिन वाई नहीं कटेगा क्योंकि वाई इसमें ऊपर है नहीं तो फिर क्या होगा तो फिर ये हो जाएगा सिक्स इंटू जेड क्यूब ओवर वन इंटू वाई तो फाइनली हो जाएगा सिक्स जेड क्यूब अपान वाई ये ऐसे ही रहेगा ठीक है तो ये इसका आंसर हो गया में आप ऐसे लिखिए माइनस सेवन एक्स वाई एक्स से एक्स कट जाएगा और सेवन से फोर्टी टू कट जाएगा और माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा तो बचेगा सिक्स जेड क्यूब अपान वाई तो ये आप एक लाइन में भी कर सकते हो और लंबे लंबे में भी कर सकते हो जो आपको ठीक लगता हो या फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले से मजबूत हैं या कमजोर हैं तो आप इसको वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिला होगा अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद लगा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इसी प्रकार के वीडियो लेके मिलते रहेंगे हम अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू क्लास